नमस्कार, मैं हूँ सुनंदा सिंह। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हेल्प पर। आज मैं आपको पीरियड से जुड़ी कुछ बातें बताने जा रही हूँ। अगर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल में होने वाले दर्द से पीड़ित हैं तो आप अकेली नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं को अपने जीवन में पीरियड्स में कभी ना कभी अलग अलग तरह से दर्द या क्रैम्प का अनुभव तो करना ही पड़ता है। ज़्यादातर महिलाएँ मेंस्ट्रुअल साइकिल में होने वाले दर्द से पीड़ित होती हैं, लेकिन आखिरकार पीरियड्स में होने वाला दर्द किस वजह से होता है? उसका पहला कारण है प्राइमरी क्रैम्प। प्राइमरी क्रैम्प यानी शुरुआती दर्द आमतौर पर टीनेजर लड़कियों द्वारा अनुभव किया जाता है जिसका पीरियड्स हाल ही में आया हो। पीरियड्स के दौरान आपका शरीर हार्मोन को प्रोड्यूस करता है जिससे यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से यूटेरस की लेयर को बाहर निकलने में मदद मिलती है। यही कॉन्ट्रैक्शन आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प के तौर पर महसूस भी होता है। सामान्य पेट दर्द के अलावा इसमें कई बार पैर दर्द और पीठ दर्द भी हो सकता है। अच्छी खबर यह है कि यह उम्र के साथ कम हो जाता है और आमतौर पर पीरियड्स की शुरुआत एक या दो दिन ही रहता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी क्रैम्प की। सेकेंडरी क्रैम्प ज़्यादा आम नहीं है और आमतौर पर एक इंटरनल डिसऑर्डर या इन्फेक्शन के कारण होता है। इसमें दर्द सिर्फ पीरियड की शुरुआत तक ही सीमित नहीं रहता है या पूरी साइकिल के दौरान रह भी सकता है। इसमें ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है और पीरियड्स ज़्यादा दिनों तक भी चल सकता है। अगर आपको पीरियड्स के आमतौर पर दर्द रहित या कम दर्द भरे होते हैं और आपको अचानक से पीरियड्स में दर्द होने लगता है तो आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट की मदद ले सकते हैं। अब जानते हैं कि पीरियड्स में होने वाले दर्द को कैसे करें कम। सबसे पहले कैफीन के सेवन को आपको कम करना होगा। धूम्रपान और शराब कम करना है। हर दिन कम से कम 30 मिनट व्यायाम करना चाहिए। कम दर्द भरे पीरियड सहित कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं इससे। यह आपको अपना वजन सही बनाए रखने में और संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। इनरेगुलर पीरियड्स की संभावना कम होती है। खाने में ऐसी चीज़ों को शामिल करना चाहिए जो फाइबर और प्रोटीन से भरपूर हो। अपने डाइट में हरे पत्तेदार सब्जियां, मेवे, ढेर सारे फल और सलाद को ज़रूर शामिल करें। ऐसे खाने पीने के सेवन से बचें जिसमें चीनी की मात्रा अधिक हो। जितना हो सके पैक्ड फल और जूस और मीठे सोडे वाले ड्रिंक से दूर रहें। खाने में नमक की मात्रा कम कर दें। ज़्यादा नमक से बहुत ज़्यादा वाटर रिटेंशन हो सकता है जो PMS का एक सामान्य लक्षण है। ऐसे ही हेल्थ से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए और बने रहिए इंडिया न्यूज़ हेल्थ। नमस्कार।